हेलो माय डियर स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने एनिमल किंगडम स्टार्ट किया था, बट उसमें हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक टॉपिक कवर किया था, युगलीना। हमने युगलीना इसलिए लिया था क्योंकि उसके अंदर एनिमल जैसा प्रॉपर्टी होता है, जैसे वो लोकोमोशन करता है, और इट वॉज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट एनिमल, प्रोटोजोआ। ये भी जो टॉपिक है ये एनिमल किंगडम में नहीं है, ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ही आता है, बट हम इसके लिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसके अंदर प्रॉपर्टी किसकी है, एनिमल की है। तो प्रोटो मतलब क्या होता है, फर्स्ट, और जोआ मतलब क्या होता है, एनिमल। सो इट इज फर्स्ट एनिमल। और प्रोटोजोआ जो है इट इज एंसेस्टर ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल। जितने भी मल्टी सेलुलर एनिमल है उनका एंसेस्टर कौन है, प्रोटोजोआ। ठीक है, सो प्रोटो मीन्स फर्स्ट, जोआ मतलब एनिमल, सो इट इज फर्स्ट एनिमल। प्रोटोजोआ इज एंसेस्टर ऑफ मल्टी सेल्यूलर एनिमल। ठीक है, बाय नेचर क्या है, प्रोटोजोआ इज यूकैरियोट। ये क्या है, एक यूकैरियोट है, और कैसा यूकैरियोट है, इट इज यूनिसेल्यूलर, इसीलिए इसका किंगडम क्या है, प्रोटिस्टा, है ना। प्रोटिस्टा किंगडम में यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट्स आते हैं, राइट। सो ये इसका बेसिक फीचर है ना। प्रोटोजोआ के कुछ कुछ फीचर्स क्या क्या होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था कि जब भी हमें किसी एनिमल को क्लासीफाई करना है तो उसको कुछ हेडर्स में क्लासीफाई करते हैं। सबसे पहला हेडर क्या था, उसका हैबिट, है ना। तो इसका हैबिट क्या है, ये जो है, हैबिट से पहले हैबिटेट देख लेते हैं, हैबिटेट कहाँ है इसका। हैबिटेट मतलब क्या होता है कि कहाँ पे ये रहता है, प्लेस वेयर इट लिव्स। सो ये इसका हैबिटेट जो है वाटर एक्वेटिक हैबिटेट का ये एनिमल है, पानी में पाया जाता है। जब भी आप एक्वेटिक बोलते हैं तो एक्वेटिक में दो ऑप्शन होता है, एक तो फ्रेश वाटर होता है और एक मरीन। तो इसके पास भी है एक्वेटिक में, इधर फ्रेश वाटर हो सकता है या मरीन। ठीक है, हैबिटेट के बाद होता है इसका हैबिट। अब इसके कुछ स्पेशल हैबिट जो होते हैं वो क्या होता है, तो लेट्स लुक एट दैट। इनमें से कुछ जो होता है ऐसे, जितने भी प्रोटोजोआ होते हैं कुछ जो होता है वो पैरासाइटिक होता है। अभी हम पढ़ते हैं कि इन जो प्रोटोजोआ है उनका रिलेशनशिप कैसा है, कैसे ये पाए जाते हैं अपने हैबिटेट में। तो कुछ तो जो होता है वो फ्री लिविंग होता है। फ्री लिविंग मतलब कि वो इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी के साथ एसोसिएटेड नहीं होता। तो सम ऑफ द प्रोटोजोआ आर फ्री लिविंग। अभी हम पढ़ेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म में और होस्ट में नेचर क्या होता है, तो इसका यू कैन स्टडी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। यू नो, इमेजिन करिए देर आर थ्री टाइप ऑफ गेस्ट विच कम्स एट आवर प्लेस। तो एक ऐसे गेस्ट होते हैं जो जब भी आपके घर पे आते हैं तो दे ऑलवेज कम विथ अ गिफ्ट, एंड दे ऑलवेज वेरी सपोर्टिव टू यू, दे नेवर क्रिटिसाइज यू कि आपके घर में हर चीज़ में आपको टोकते रहते हैं। तो दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर वेरी नाइस, दे कम विद अ गिफ्ट एंड दे स्टे फॉर वन डे एंड देन दे गो अवे, है ना। वो वाले गेस्ट होते हैं जो जाते जाते पैसा दे के जाते हैं या आपके लिए कुछ खाने के लिए मंगवा देते हैं, देन यू लाइक दोज काइंड ऑफ पीपल बिकॉज दे ऑलवेज कम विथ अ गिफ्ट। इन रिटर्न वो क्या मिलता है कि वो आपके घर पर रहते हैं, आपके घर का खाना खाते हैं। तो यहाँ पर दोनों का म्यूचुअल बेनिफिट हो गया, है ना। तो ऐसे कोई भी रिलेशनशिप जहाँ पे होस्ट को और गेस्ट को दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, इसे कहते हैं सिम्बायोसिस। सिम्बायोंट मतलब कि दो लाइफ, सिम मतलब टुगेदर, बायो मतलब लाइफ। तो दो लाइफ टुगेदर एक साथ है, आपस में बेनिफिटेड है। तो एक तो कुछ जो प्रोटोजोआ होते हैं वो फ्री लिविंग होते हैं, दूसरे क्या होते हैं, सिम्बायोंट, सिम्बायोसिस। अब कुछ ऐसे भी गेस्ट होते हैं जो आपके घर में आते हैं, ज़्यादा उनको ना उनको आपसे कुछ लेना देना होता है ज़्यादा, ना आपसे, बस आए और चले गए, तो ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। कॉमन टाइप ऑफ गेस्ट, आए और देन एक आध घंटा रहे और फिर चले गए, तो ऐसे गेस्ट को कहते हैं कॉमन गेस्ट। ये तो हमारे अच्छे गेस्ट हो गए। सी फॉर कॉमन एंड सी फॉर कमेंसल, कमेंसलिज्म रिलेशनशिप होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म जब आपकी बॉडी में होता है
तो ना उससे आपको कुछ फ़ायदा होता है और ना ही नुकसान होता है। तो कुछ प्रोटोजोआ होते हैं वो अपने होस्ट के साथ कैसा रिलेशनशिप बनाते हैं, कमेंसलिज्म। ये तो सुपीरियर गेस्ट हो गया, ये कॉमन गेस्ट हो गया। एक और तरह के गेस्ट होते हैं जो जब आपके यहाँ आते हैं हमेशा आपके एक तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको टोकते रहते हैं, आपको हमेशा बुरा फील करवाते हैं, एंड देन जब आ जाते जाते आपसे पैसे भी लेके चले जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ गेस्ट आर अ पुअर गेस्ट। तो पी फॉर पुअर, पी फॉर पैरासाइट। पैरासाइट भी ऐसा ही होता है कि जब भी पैरासाइट किसी भी होस्ट के अंदर, स्किन के ऊपर या बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो हमेशा होस्ट को नुकसान ही पहुँचाता है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप नोन एज पैरासाइटिज्म। तो कुछ प्रोटोजोआ बाय नेचर क्या होते हैं, पैरासाइट्स। तो दिस इज अनदर रिलेशनशिप, पैरासाइटिज्म। तो ये हो गया हमारा सुपीरियर गेस्ट सिम्बायंट, ये हो गया कॉमन टाइप ऑफ गेस्ट कमेंसलिज्म, और ये हो गया हमारा पुअर गेस्ट पैरासिटिज्म। दिस इज हाउ यू कैन एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन देम। लोकोमोशन, थर्ड कैटेगरी क्या होता है हमने पढ़ा था, लोकोमोशन। लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, लोकोमोशन होता है थ्रू द फ्लैजेला, थ्रू द सूडोपोडिया जो अमीबा बनाता है। ये तो आपने ऑलरेडी देखा है ना कि अमीबा फूड कैप्चर करता है सूडोपोडिया बना के, और सीलिया। ये तीनों जो स्ट्रक्चर है हम डिटेल में पढ़ेंगे विद द अपकमिंग एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोवास, ठीक है। ये तो हम जनरल पढ़ रहे हैं, जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोटोजोवा, फिर हम इसमें प्रोटोजोवा का क्लास पढ़ेंगे और एक एक एग्जाम्पल जो है हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये हो गया लोकोमोशन। नेक्स्ट हो गया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि अपना खाना कैसा लेता है। तो प्रोटोजोवा जो है वो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करता है। इट इज़ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ये किसी भी एंगल से ऑटोट्रॉपिक नहीं है। तो ये है क्या, हेटरोट्रॉपिक, और हेटरोट्रॉपिक में भी कैसा है, होलोजोइक। तो इट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मतलब क्या होता है, पहले पचाना, पहले खाना और उसके बाद डाइजेस्ट करना जो हम करते हैं। पहले खाना इंजेस्ट कर लेते हैं, फिर पचता है, फिर उसे हम न्यूट्रिशन यूज़ कर लेते हैं, फिर हम उसे बाहर की तरफ एक्सक्रीट कर देते हैं, ठीक है। इट हैज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो बाय नेचर क्या है ये, इट इज़ हेटरोट्रॉपिक। हेटरोट्रॉपिक मतलब अपने खाने के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना, ठीक है। तो ये हो गया इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब क्या आता है, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग कैसे करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे करता है। तो ये क्या है, सिंगल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, और यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं सबका बॉडी जो है वो एनवायरनमेंट की डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होने की वजह से वो अपने बॉडी सरफेस से ही गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैसे होता है, जैसा हमने पढ़ा था युग्लिना के अंदर, थ्रू द सिंपल डिफ्यूजन, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस इटसेल्फ, थ्रू सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम बॉडी सरफेस, ठीक है। तो ये हो गया इसका एक्सचेंज ऑफ गैसेस। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन भी वही युग्लिना वाला, बॉडी सरफेस से। एक्सक्रीशन में क्या रिमूव करते हैं, नाइट्रोजिनस वेस्ट। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस की बात करते हैं तो वेस्ट कैसा होता है, नाइट्रोजिनस। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्रू अगेन बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन, थ्रू बॉडी सरफेस बाय डिफ्यूजन। नेक्स्ट टॉपिक क्या कवर होगा, नेक्स्ट टॉपिक इसका होगा कि ये कैसे रिप्रोड्यूस करता है। तो ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, और मैक्सिमम सिंगल सेल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका मोड ऑफ जो रिप्रोडक्शन होता है वो एसेक्सुअल ही होता है। तो इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होगा, एसेक्सुअल। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल, और ज्यादातर एसेक्सुअल में क्या होता है, फिशन। Some of them also perform sexual reproduction. ये हम पढ़ेंगे बाद में, जब हम एक स्पेसिफिक एग्जाम्पल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कैसे ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अब ऑस्मोरेगुलेशन,
ऑस्मोरेगुलेशन हमने यूग्लिना में देखा था थ्रू द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, है ना, जिसके अराउंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। जब बॉडी के अंदर एक्सेस वाटर आता है तो उसे वो बाहर निकाल देता है कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के थ्रू। तो ऑस्मोरेगुलेशन ये इसका कुछ स्पेशल फीचर है, सम स्पेशल फीचर, सम इम्पॉर्टेंट फीचर्स, द प्रेजेंस ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मो मतलब सल्यूट, सल्यूट का अमाउंट कैसे रेगुलेट करता है थ्रू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। आप इसे वाटर बैलेंसिंग भी कह सकते हैं क्योंकि ये जो है वाटर को बॉडी से बाहर की तरफ फेंक देता है। तो इस ऑस्मोरेगुलेशन क्या कहेंगे, वाटर बैलेंसिंग। अब ये वाला जो प्रोटोजोवा है इसके पास एक स्पेशल फीचर होता है, बहुत यूनिक होता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर पहले बिफोर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आए हैं। तो ये जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो प्रोटोजोवा के अंदर होता है, जब भी आप कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल हमेशा किसके अंदर होगा, फ्रेश वाटर प्रोटोजोवा के अंदर होगा। किसके अंदर होगा, फ्रेश वाटर प्रोटोजोवा के अंदर। तो जब भी आप फ्रेश वाटर प्रोटोजोवा का पास जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, आप फ्रेश वाटर प्रोटोजोवा को वहाँ से उसके नेचुरल हैबिटेट से निकाल के मराइन हैबिटेट में जब आप रख देंगे, तो उसमें मराइन में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्योंकि मराइन में एनवायरनमेंट में क्या होता है, बहुत सारा सल्यूट होता है, तो वहाँ पे चांसेस ये है कि किसी ऑर्गेनिज्म का खुद का पानी एनवायरनमेंट में चला जाए। आप समझ रहे हैं कि अगर आप नमक के पानी में कोई चीज़ डाल देंगे तो आप देखेंगे पिचक जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा घर में मम्मी सब्जी बनाती है कढ़ाई में, तो जैसे ही वो किसी हरी सब्जी के ऊपर नमक डालती होंगी, पूरी कढ़ाई जो है वो नमक पानी से भर जाता है। तो पानी तो ऐसा नहीं कि हमने ग्लास से डाला है, वैसा क्यों हो रहा है कि नमक की वजह से बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो हाइपर कॉन्सेंट्रेटेड हो गया है, हाइपरटोनिक हो गया है, जो आपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। हाइपरटोनिक होने की वजह से हमेशा हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में सेल के अंदर का जो वाटर होता है वो बॉडी के बाहर चला जाता है। तो मैं एक बार इसे ब्रीफली रिवाइज करवा देती हूँ क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल देर आर 3 कंडीशंस, ये केस 1 है, ये केस 2 है और ये केस 3 है, ठीक है। ये क्या है, सेल है, ये क्या है, एनवायरनमेंट है, ठीक है। सेम यहां भी ये सेल हो जाएगा, ये हमारा एनवायरनमेंट हो जाएगा। नाउ जब यहां पे सल्यूट जो है ज्यादा है, क्या है, ज्यादा है, और इसके अंदर सल्यूट जो है बहुत कम है, ठीक है। इस ऐसे केस में यहाँ का एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो ये जो है इस केस में सेल के अंदर का जो भी वाटर होगा वो सेल से कहाँ जाएगा, बाहर जाएगा। समझ रहे हो, जब भी एनवायरनमेंट में सल्यूट ज़्यादा है और सेल के खुद के अंदर सल्यूट क्या है, कम है, तब क्या हो जाएगा, सेल का वाटर कहाँ मूव करेगा, यहाँ मूव करेगा, क्योंकि वो बैलेंस करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे वाटर ज़्यादा दे देगा तो नमक डिसॉल्व हो जाएगा ना, सल्यूट कम हो जाएगा अगर वाटर डालने की वजह से। उस केस में सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और जो सल्यूशन है वो क्या है, हाइपरटोनिक है। उसका ठीक उल्टा, जब सेल के अंदर ज़्यादा सल्यूट है, बहुत सारा, और एनवायरनमेंट के अंदर सल्यूट कम है, तो ठीक इसका उल्टा होगा, एनवायरनमेंट का जो वाटर हो जाएगा वो कहाँ जाएगा, सेल के अंदर हो जाएगा। और एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे, हाइपोटोनिक, हाइपो मतलब कम, कम सल्यूट है इसके अंदर, और सेल क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। जब दोनों में बराबर बराबर अमाउंट का सल्यूट प्रेजेंट है तो दोनों में यहाँ का वाटर यहाँ और यहाँ का वाटर यहाँ जाएगा, बट नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब कि अगर समझिए 1 ml वाटर अंदर गया है, 1 ml वाटर बाहर आया है, तो नेट जो एक्सचेंज हुआ क्या है, जीरो है। तब इसे कहते हैं ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक, जहाँ पे सेल के अंदर और उसके बाहर का जो एनवायरनमेंट है दोनों में सॉल्यूट का अमाउंट बराबर है, तब सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, आइसोटोनिक। एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे, सॉल्यूशन जो है वो आइसोटोनिक। ये क्या था, हाइपोटोनिक, और ये क्या है, हाइपरटोनिक। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, आप इसे फिर से ट्रांसपोर्ट इन अ प्लांट में पढ़ेंगे, बट ये वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत सारे चैप्टर में अप्लाई होता है। तो ये जो आप प्लीज़ इसे बहुत अच्छे से
देख ले, उसको लर्न कर ले कि टाइप ऑफ सॉल्यूशन किसके रिस्पेक्ट में होता है, एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब तो वेयर आई वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। तो जब भी आप फ्रेश वाटर प्रोटोजोवा को मराइन वाटर में डाल देंगे, तो मराइन वाटर क्या है, हाइपरटोनिक है, तो वहां पे चांसेस ये है कि प्रोटोजोवा का अपने अंदर का जो वाटर है वो बाहर चला जाए, क्योंकि सिचुएशन ये वाला है, उसको उस वक्त कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन था, अंदर उसके जो फ्रेश वाटर का पानी आ रहा है उसे बाहर की तरफ फेंक देना, ताकि वो फट ना जाए। बट अब तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो सिचुएशन उल्टा है। इन दैट सिचुएशन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल डिसअपियर्स, क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल गायब हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। ये तो एक केस है, तो आप नोट करके इसे लिख ले, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट राइट हियर। वेन फ्रेश वाटर प्रोटोजोवा is placed in marine water, contractile vacuole को मैं छोटे उसमें लिख रही हूँ, CV खाली, contractile vacuole disappears, ठीक है। इसका दूसरा situation, जब आप मराइन वाटर प्रोटोजोवा को फ्रेश वाटर में लाते हैं तब क्या होगा, तब वहां पे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो है वो क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। सो व्हेन दिस इज सेकेंड सिचुएशन, मरीन वाटर प्रोटोजोवा इज प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, तब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की अब उसे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे वाटर को बैलेंस करना है, अब पानी ज्यादा आ जाएगा, तो फ्रेश वाटर देन कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, यहाँ डिसअपियर हो गया था, यहाँ पे ठीक उल्टा होगा, यहाँ पे वो अपियर हो जाएगा, तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपियर्स। नेक्स्ट सिचुएशन, अब ये तो हो गया कि हमारा फ्रेश वाटर मराइन वाटर, लेकिन कुछ प्रोटोजोवा कहाँ रहते हैं, हमारे बॉडी के अंदर, पैरासाइट्स। तो पैरासाइटिक प्रोटोजोवा को जब आप फ्रेश वाटर में रखोगे तो क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल आएगा कि नहीं, व्हाट डू यू थिंक। जब भी पैरासाइटिक प्रोटोजोवा को हम रखेंगे कहीं भी तो वो मर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो जीन ही नहीं प्रेजेंट होता है, वो डीएनए का वो फ्रेगमेंट ही नहीं प्रेजेंट होता है जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना पाए, क्योंकि वो हमेशा से कहाँ रहा है, बॉडी के अंदर, तो उसका इवोल्यूशन ही ऐसा नहीं हुआ है कि उसे कभी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल की जरूरत पड़े। So when we place parasitic protozoa, when parasitic protozoa is placed in fresh water, it will die. Die क्यों? Because contractile vacuole will never appear because it do not have gene for contractile vacuole. Okay. So these are three very very important situation. So यहाँ पे हमने special characteristic में contractile vacuole देख लिया। एक और special characteristic होता है कि ये move कर पाते हैं, क्योंकि इनके बाहर cell wall नहीं होता है, इनके बाहर एक protein का layer होता है जिसे कहते हैं pellicle। So इनका second special characteristic जो है वो है presence of pellicle। Pellicle क्या है? It is proteinaceous layer. इस प्रोटीनेशियस लेयर, ठीक है। अब यहां तक हमने इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक देख लिया है, अब जो है हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एक जनरल क्लास है, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल ऑफ प्रोटोजोआ आते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसे फर्दर क्लासिफाई कर देंगे। तो नेक्स्ट विल बी स्टडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोआ। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटोजोवा में सबसे पहला जो प्रोटोजोवा हम पढ़ेंगे, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोवन। क्या पढ़ेंगे? फ्लैजिलेटेड। और जब भी आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं तो आप हमेशा याद रखिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने का कुछ बेसिस होता है, आप किस बेसिस में उसे अलग अलग कैटेगरी में रख रहे हैं।
तो हमने पहले प्रोटोजोवा क्यों बनाया था? प्रोटोजोवा में क्योंकि वो एनिमल लाइक है, इसके लिए उसको हमने प्रोटोजोवा अलग ऑर्गेनिज्म रख दिया था, लोकोमोशन शो करता है। अब हम प्रोटोजोवा को अलग 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 क्लास में क्यों क्लासिफाई करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, उनका जो लोकोमोटरी जो ऑर्गेनल्स है वो क्या है? अलग अलग है। तो ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन या ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ लोकोमोशन। सबसे पहला जो हमने ऑलरेडी देखा है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवन, फिर क्या है अमीबॉइड प्रोटोजोवंस, देन क्या आ जाएगा सीलिएटेड प्रोटोजोवन। कुछ ऐसे प्रोटोजोवंस भी होते हैं जिनके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता, और ऐसे प्रोटोजोवा कहते हैं स्पोरोजोवंस। तो यहां पे क्या आ जाएगा लास्ट, नो लोकोमोटरी ऑर्गन्स, और इन्हें क्या कहते हैं स्पोरोजोवंस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा प्रोटोजोवा जिसके पास लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता उसे क्या कहते हैं स्पोरोजोवंस। अब हम ये जो एक एक क्लास है इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्लास क्या है फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवा, सो आप हेडिंग डालिए फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोवा। ये जो है हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है, इट इज नॉट स्मॉल टॉपिक। थैंक यू।